वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनालिटिकल पेटी कैश बुक, आई होप आपको सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, सिंपल कैश बुक, देन टू कॉलम कैश बुक अच्छे से समझ में आया है। तो ऑलमोस्ट हमने चैप्टर 5 कवर किया है। अब छोटा सा पार्ट बाकी है जो आज हम देखेंगे, परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये परचेज बुक क्या है? सो वेरी सिंपल। अब अगर आपको पेटी कैश, सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक समझ में आया, तो परचेज ऑफ कैश बुक बहुत आसान समझने के लिए, जो हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, बस वही हमको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। कैश परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई परचेज हमने रॉ मटेरियल किया है, गुड्स किया है, तो वो अगर कैश बेसिस पे किया है तो हमें हमें परचेज बुक में एंट्री नहीं करनी है। परचेज बुक में सिर्फ हमें क्रेडिट बेसिस एंट्री करनी है। ओके, नेक्स्ट विल सी क्रेडिट परचेज अदर देन गुड्स लाइक परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टेशनरी नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो जैसे कि पहले ही बताया है कि अगर आपने गुड्स परचेज किया है, बस वही परचेज की एंट्री हमको यहाँ पे परचेज बुक में करनी है। अगर आपने आपके ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा है, स्टेशनरी खरीदी है या मशीनरी खरीदी है, तो वो परचेसिंग हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे सिर्फ जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रीसेल के लिए जो परचेस करते हैं, वही हमें परचेस बुक में लिखना है। ओके, दिस बुक इज आल्सो नोन एज अ परचेस जर्नल। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट ऑलवेज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। अभी नेट वैल्यू मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट दे के जो हमें वैल्यू मिलती है, माइनस करके जो वैल्यू मिलती है, बस वही हमें लिखना है। डोंट वरी, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आपको करोगे तो ये सब ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो हमें नेट वैल्यू में लिखना है। सो ये हमारा फॉर्मेट है, बहुत आसान है। डेट लिखना है, ऑफकोर्स डेट के बिना तो हमारा अकाउंटिंग चलेगा ही नहीं। कौन से डेट पे हमने परचेस किया है, किसने हमको सप्लाई किया है, तो नेम ऑफ सप्लायर भी हमें लिखना है। इनवर्स इनवॉइस, बिल बनाते हैं तो उसका नंबर क्या है, लेजर फोलियो, और कितने का हमने नेट वैल्यू, ये जो है हमने कितने से परचेस किया है, वो हमें लिखना है, रिकॉर्ड रखना है। ओके, सो विल सी, ये एक प्रॉब्लम दिया है, प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स। अब ये नोहा ट्रेडर्स है जिसने परचेस किया है, तो पहले देखेंगे हम एंट्री कौन कौन सी लिखेंगे। तो मैंने आपको रूल बताया है कि हमें सिर्फ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स अगर होगा तो ही एंट्री करनी है, अगर वो क्रेडिट बेसिस पे होगा तो ही एंट्री करनी है, कैश बेसिस पे नहीं करनी है। सो ये रूल अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसानी से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। सो परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस कमल 1000 ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट हो गई है, गुड्स ही परचेस किया है और क्रेडिट किया है, तो ये एंट्री हमारी आएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी, हमने गुड्स परचेस किया है फॉर अ कैश, लेकिन हमने कैश से परचेस किया है, सो वी नेवर राइट कैश ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक, तो ये एंट्री नहीं आएगी। ओके, परचेस मशीनरी, ये तो यही पे आउट हो रहा है। देखो मशीनरी, हमें सिर्फ परचेस ऑफ गुड्स करना है, हमें मशीनरी नहीं परचेस करनी है, उसकी एंट्री हमें नहीं लिखनी है, सो ये भी एंट्री नहीं आएगी। परचेस गुड्स फ्रॉम सौरभ, गुड्स तो परचेस किया है ऑन अ क्रेडिट, देखो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है, सो ये एंट्री हमें लिखनी होगी परचेस बुक में। परचेस अ गुड्स, अब यहाँ पे भी गुड्स किया है फ्रॉम ऐश्वर्य ऑन अ क्रेडिट, चलो गुड, यहाँ पे भी दोनों कंडीशन कंप्लीट हुई है, हमने गुड्स परचेस किया है और वो भी क्रेडिट बेसिस पे, हमें ये भी एंट्री करनी है। तो देखो पांच एंट्री में से हमें सिर्फ 1, 2, 3 की एंट्री क्या करनी है, परचेस बुक में एंटर करनी है। सो लेट स्टार्ट। तो ये आपका फॉर्मेट है, आपको ये याद रखना है कैसे फॉर्मेट करना है, सिंपल है। सो चलो पहली एंट्री आई है तो हमें डेट लिखनी है। What will write name of the supplier? Supplier का नाम क्या दिया है? Mrs. Kamal, तो कमल का नाम लिख लीजिए। Then
इनवर्स देखो, इनवॉइस नंबर 4 दिया है, बिल का अमाउंट नंबर होता है 1, 2, 3, सो नंबर दिया है एंड 1000 रुपीज दिया है। लेजर फोलियो का नंबर नहीं दिया है। जब हम ट्रांसफर करेंगे लेजर फोलियो में, ये हमारे परचेज बुक है, सब्सिडरी बुक है, ये जब हम ट्रांसफर करेंगे लेजर में तब हमें पेज नंबर मिलेगा, तो फिलहाल हमें ये नहीं लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री। अब जैसे कि मैंने बताया, ये एंट्री नहीं आएगी, ये भी एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली जंप टू द 8th of April। सो 8th April, अगेन देखो यहाँ पे सप्लायर किसका नाम लिखा है, सौरभ का नाम लिखा है, इनवॉइस नंबर भी दिया है, एवरीथिंग इज गिवन, आपको जस्ट ठीक से लिखना है। नाउ मूव टू द लास्ट एंट्री, अगेन ऐश्वर्या का नाम लिखा है देखो यहाँ पे, एंड अमाउंट लिखा है 5000, इनवॉइस नंबर भी लिखा है। सो डन, देखो कितना आसानी से परचेज बुक हो गया। नाउ इसकी आप टोटल लिखो यहाँ पे, टोटल यहाँ पे कितनी आएगी, 7 and 8000, सो हियर विल राइट 8000। तो टोटल आपने अप्रैल मंथ में कितना परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे, 8000। तो आपको कितने आसानी से इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर किसी ने पूछा कि अप्रैल मंथ में, 2019 के अप्रैल मंथ में आपने टोटल क्रेडिट कितना परचेज किया, 8000। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो दिया है, बुक में से ही मैंने सब प्रॉब्लम लिए है, अगर टेक्स्ट बुक है तो ओपन करके बैठो आप। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक, तो हमें ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक परचेज बुक, फॉर्मेट डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, LF, इनवॉइस एंड अमाउंट। नाउ सी, परचेज फ्रॉम मैसेज सीमा, पहले हम देखते कौन कौन सी एंट्री आएगी। तो हमने परचेज किया है सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से मिनी साइज मोबाइल एंड थिएटर। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो ये पहले आप ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है मतलब यही उसके गुड्स हो गए, होम थिएटर, टीवी, पेन ड्राइव। तो आप ऐसे मत समझो कि अरे यहाँ तो मिस इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया, हम सिर्फ गुड्स परचेज का लिखते हैं। तो ये जो कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए तो ये सब गुड्स ही है ना। ये गुड्स की डेफिनेशन मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको सिखाई है, गुड्स मतलब जिस पे हम रीसेल कर सकते हैं, जिस पे हम प्रॉफिट कर कमा सकते हैं, जिस पे हमारा पेट चलता है, रोजी रोटी जिस पे है। जैसे वेजिटेबल सेलर के लिए वेजिटेबल गुड्स है, फर्नीचर सेलर के लिए फर्नीचर गुड्स है, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक जो सेलर है कोनिका उसके लिए ये सब गुड्स है, होम थिएटर, इलेक्ट्रॉनिक। आप विजय सेल्स में गए होंगे, क्रोमा में गए होंगे, तो ये सब आइटम उनके लिए क्या है, गुड्स है। तो ये एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। सो आई होप आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, सब डिटेल्स में दिए, कितने पीस हमने होम थिएटर के परचेज किए हैं, फिर मोबाइल कितने परचेज किए, तो हमें भी डिटेल्स लिखने हैं। तो जिस तरीके से आपको वो क्वेश्चन पूछेगी उस तरीके से आपको लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट, पहले मंथ ईयर लिख लो, परचेज किससे किया है, सीमा, तो सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख दो, क्या क्या परचेज किया है, देखो इनवॉइस नंबर भी दिया है 2250, परचेज क्या क्या दिया है, तो पूरे आपको डिटेल्स लिखने हैं। 20 मोबाइल इनटू एक मोबाइल 2000 पर पीस है, तो ऐसे उन्होंने 40000, देखो 20 मोबाइल खरीदे और एक मोबाइल 2000 में खरीदा, तो टोटल कितना परचेज किया क्रेडिट, 40000। सेम होम थिएटर 12 और एक होम थिएटर की कीमत 4500 है, सो इनटू करो 12 into 4500, 54000। सो इस तरीके से टोटल हो गया 94000। लेकिन आगे देखो उन्होंने क्या लिखा है कि डिस्काउंट भी मिला है उनको, ट्रेड डिस्काउंट मतलब टू इंक्रीज द सेल, एक सप्लायर दूसरे अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है टू इंक्रीज हिज सेल, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वी नेवर शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कौन सा डिस्काउंट हम बताते हैं, यस हम हमेशा कैश डिस्काउंट हमेशा बताते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे 20%, तो इस पे 20% माइनस करो, कैलकुलेट करो 18,800। सो माइनस करके जो नेट वैल्यू आएगी दैट वी नीड टू राइट आउटर साइड। ओके, तो जैसे पहले ही मैंने बताया कि ऑलवेज राइट नेट वैल्यू, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि नेट वैल्यू लिखना है, तो हमें नेट वैल्यू लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमें लिखना है। ओके, नाउ सेम अबाउट परचेज फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक, सेम पवन का भी हम ऐसे ही करेंगे, सप्लायर का नाम लिखो पवन, क्या खरीदा हमने पवन से, पेन ड्राइव खरीदी है, तो देखो डिटेल्स लिखो यहाँ पे, पेन ड्राइव 100 पेन ड्राइव और एक पेन ड्राइव 210 में है, तो ऐसे 21000। फिर डिस्काउंट भी दिया है ट्रेड
10%, so minus करो and then net value final जो amount आएगी that we supposed to write, okay? So very simple, ये इस तरीके से आप लिख दो. Next पर read करो आप और क्या आएगा देखो. Purchase from क्या लिखा है उन्होंने, modern electronic, okay? So क्या क्या purchase किया है उन्होंने, देख भर पढ़ लो. Stereos, then 20 color LCD and plus यहाँ पे उन्हें discount भी मिला है, तो आपको discount भी क्या करना है, minus करना है. तो पहले आप लिखो, video pause करो, पहले आप solve करो और फिर check करो. मैंने हमेशा कहा है जब भी videos मेरे देखोगे, please आपके साथ notebook, textbook, pen, pencil, rubber सब लेकर आपको बैठना है, okay? So देखो कैसे आएगा. I hope आपने solve किया है. So, इस तरीके से आंसर आएगा. आया करेक्ट आंसर आपका? यस, वेरी गुड. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट 26. अगेन सेम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर से हमने वही परचेस किया है. देखो हर आइटम आपको डिटेल्स में लिखने हैं. पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने कुछ डिटेल्स नहीं दिए थे, डायरेक्ट परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट दिया था. बट अगर ऐसे दिया उन्होंने तो आपको इस तरीके से लिखना है ताकि हमको ईच एंड एवरी चीज के हमें डिटेल्स मिलेंगे. ओके, आई होप समझ में आया है आपको. अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बाकी हमारा ये वाली एंट्री. तो देखो एंड टोटल. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि 2018 अगस्त में आपका टोटल परचेज कितना हुआ था, सो एनी बडी कैन से 5,26,625 हमने क्रेडिट परचेज किया था. कौन से मंथ में? अगस्त मंथ में. ओके, सो वेरी सिंपल. आई होप आपको समझ में आया है. नाउ विल मूव टू द परचेज रिटर्न. देखो ये फाइनली आपका ऐसे प्रॉब्लम होगा, आपके पेज पे ऐसे दिखेगा, आपके बुक में ऐसे इस तरीके से आपको लिखना है. नाउ विल मूव टू द परचेज रिटर्न बुक. सो परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. जैसे परचेज बुक में परचेज की एंट्री करते हैं, वैसे परचेज रिटर्न में हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे. ओके, हो सकता है रीजन कुछ भी हो सकता है, क्वालिटी खराब है, डिफेक्टिव है, तो होगा. फॉर एवरी रिटर्न ये याद रखना है आपको, डेबिट नोट डुप्लीकेट में बनानी है, इज प्रिपेयर्ड, द ओरिजिनल वन इज सेंड टू द सप्लायर. तो जब हमको रिटर्न करना होता है तो ऐसे डायरेक्ट रिटर्न नहीं, हमको एक नोट बनानी कहती है, जिसे हम कहते हैं डेबिट नोट. ओके, डुप्लीकेट होती है, एक अपने पास रखी जाती है और जो ओरिजिनल है वो सप्लायर के पास हम भेज देते हैं, सेंड टू सप्लायर, ताकि उसके पास भी रिकॉर्ड रहे. ओके, वो भी क्रेडिट नोट बनाता है. हम जैसे डेबिट नोट बनाते हैं, वैसे सप्लायर उसका क्या करता है, क्रेडिट नोट बनाता है. सो दोनों के पास इसके डिटेल्स होते हैं. तो इन फ्यूचर अगर कुछ अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आए तो ये दोनों नोट्स टैली किए जाते हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. तो हम बनाएंगे डेबिट नोट और सप्लायर बनाएगा क्रेडिट नोट. ओके, सो देखो इस तरीके से ये डेबिट नोट होती है, नंबर होता है, डेट होता है, हमने किस से रिसीव किया था, क्या डेबिट किया, कितने रुपीज से डेबिट किया, क्वांटिटी कितनी हमने रिटर्न की, 10 चीजें हमने रिटर्न की है. पर्टिकुलर अगर हमने 10 या 10 और सपोज हमने मोबाइल रिटर्न किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या रिटर्न किया, इनवॉइस नंबर क्या था, उसका रेट क्या था, अमाउंट क्या था और फिर सिग्नेचर. तो ये ओरिजिनल है जो हम सप्लायर को वापस करेंगे और उसकी कार्बन कॉपी जो होगी वो हम हमारे पास रिकॉर्ड रखेंगे. ओके, सो विल सी एक एग्जाम्पल. देखो वेरी सिंपल, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेस रिटर्न. बुक में का ही एग्जाम्पल है, गुड्स रिटर्न टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक. तो हमने यहाँ पे देखो सीमा इलेक्ट्रॉनिक लिखा है और क्या किया है हमने, तो यहाँ पे एक्चुअली बुक में नहीं दिया है लेकिन लिखना चाहिए कि टू मिनी टीवी सेट. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए ताकि हमें समझ में आता है कि 2000 की प्राइस थी. ओके, सो ये भी लिखो. डेट डेबिट नोट दिया है उन्होंने. देखो नंबर क्या है, ये नंबर लिखा है एंड कितनी अमाउंट, एक टीवी कितने का था उस हिसाब से उन्होंने देखो यहाँ पे किया है. होम थिएटर भी रिटर्न किया है. ओके, तो ये सब की टोटल उन्होंने यहाँ पे लिख दी है, डायरेक्टली टोटल लिख दिया. लेकिन आप यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे डिटेल्स लिखो, टू मिनट सेट उसने 2000 में एंड होम थिएटर यहाँ पे होम थिएटर लिखो कितने का है, 4500. तो देखो वन होम थिएटर, तो इसके आ गए कितने, आ गए इसके 4000 और इसका कितना हो गया 4500. तो टोटल
हमारा आउटर कॉलम 8500 हमने रिटर्न कर दिया है। जैसे हमने परचेज बुक बनाया वैसे ही परचेज रिटर्न करना है, वैसे ही सब डिस्क्रिप्शन लिखना है। ओके तो आई होप आपको पसंद आया है वीडियो, अच्छे से समझ में आया है ये चैप्टर। प्लीज ये चैप्टर स्किप मत करो, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। सो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न। ओके सो बाय बाय।